इसमें विशेषकर एक बहुत बड़ी समस्या आती है जिसको आप फल एवं तना छेदक कीट हमारे भिंडी के फलों को नुकसान करता है, जिससे काफ़ी संख्या में जो हमारे फल हैं वो बाजार में विक्रय के योग्य नहीं रह जाते हैं। तो इस समस्या के निदान के लिए किसान भाइयों, इसके लिए एक फेरोमोन ट्रैप आता है, इसको आप अवश्य लगाएं और 20-25 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाए जाते हैं। इसी तरीके से अगर जो आपके फल छेदक कीट वाले प्रभावित जितने भी फल मिलते हैं, जब हार्वेस्टिंग आप करते हैं, तुड़ाई करते हैं, तो उस समय ऐसे फलों को अलग कर दीजिए, और जो तने हैं प्रभावित, जिस तनों में मुरझाया हुआ दिखेगा और जहाँ पर कीट ने आपको नुकसान पहुँचाया होगा, वो तने को कीट के साथ ही काट करके उतना पोर्शन उसको भी खेत के किनारे में कहीं गड्ढा खोद करके उसमें आप दबा दिया करिए, जिससे कीट पुनः खेत में ना फैल सके। और इसके अलावा एक येलो स्टिकी ट्रैप होता है, इसको पीला चुचपा गत्ता कहते हैं, आप इसको बना भी सकते हैं। प्लास्टिक की सीट पे कोई आप जो चिपचिपा पदार्थ है आप लगा सकते हैं, अरंडी का तेल लगा सकते हैं, और इस तरह के चीज़ों को लगा करके उसको खेत में टांग देंगे तो उसमें बहुत सारे कीड़े चिपक जाते हैं। तो इससे आप इन तरीकों का भी अपने खेत में अपनाया करिए, इससे कीटों का नियंत्रण होता रहता है। और साथ साथ मैं आपको एक और कहूँगा कि नीम का तेल या नीम का अर्क होता है, ये भी बाज़ार में मिलता है, इसको भी आप इस्तेमाल किया करिए, क्योंकि ये रासायनिक तरीके नहीं है, ये काफ़ी सुरक्षित तरीके हैं। तो इसमें आप अपने 8 से 10 दिन के अंतराल पे अपने खेत में इस तेल का, नीम का, आप छिड़काव करते रहिए। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि समस्या ज़्यादा है, तो आपको एक दवा बता देता हूँ, एक स्पिनोसेट दवा है, ये काफ़ी सुरक्षित दवा है। इसकी करीब 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसको छिड़काव कर लेंगे। इसके अलावा किसान भाई, आप देखेंगे कि कुछ पत्तियां आपको सिकड़ी हुई दिखती हैं, कभी कभी पत्तियों में जला हुआ दिखता है, तो किसान भाई सोचते हैं क्यों जल रहा है पत्तियां ये, तो आप देखेंगे उसके नीचे एक कीट होता है जिसको जैसिड कहते हैं या लीफ हॉपर, वो फुदका भी आप लोग बोलते हैं। तो पत्ती के नीचे हरा सा छोटा कीट होगा, उसको अगर छुएंगे तो टेढ़ा सा मूवमेंट होगा, उसका चलेगा टेढ़ा सा, सीधा नहीं चलता है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए आपको 2 दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक इमिडाक्लोरपीड होती है, इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को करीब 3 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव कर सकते हैं अपने खेत में। और इसके 8-10 दिन के अंतराल पे आप एक एसीटामाइप्रिड दवा होती है, इसकी भी 1 ग्राम मात्रा को 3 लीटर पानी में घोल बना करके इस दर से आप अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं, तो इस कीट से आपका नियंत्रण हो जाएगा। और तीसरी समस्या, अभी किसान भाइयों को गर्मी जब बढ़ जाती है तो इसमें एक रेड स्पाइडर माइट्स आता है, छोटी सी चींटी होती है पत्ते के नीचे, आप देखेंगे आप कहीं कहीं पौधों पर जाला बना हुआ दिखेगा आपका पत्तियों के नीचे, तो अगर इस तरह का आपको कहीं पौधा दिखता है और इसमें ज़्यादा प्रभावित पौधे हैं, ऐसे पौधों को आप उखाड़ करके गड्ढा खोद करके उसमें दबा देंगे, और बाकी पौधों में आप एक दवा का छिड़काव करेंगे जिसमें स्पाइरोमेसिफेन एक दवा है, इसकी आप 2 मिलीलीटर मात्रा को करीब 8 से 10 लीटर पानी में आप घोल बना करके छिड़काव कर देंगे तो आपका इससे निदान हो सकता है। और ये दवा अगर उपलब्ध नहीं है तो डाइकोफाल एक दवा होती थी, अभी भी मिलती है बाज़ार में, उसकी भी आप करीब 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देंगे तो आपसे इससे निदान हो जाएगा। तो ये चीज़ों का करते रहेंगे तो आपके फसल को कीटों से कम हानि होगी और आपका उत्पादन बढ़ेगा, और अभी भी आपकी पैदावार आपके फसल में आती रहेगी।